मध्य प्रदेश सरकार के फिर एक बार कर्ज लेने को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, किसी भी प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाओं को संचालित रखने के लिए कर्ज लेने में कोई बुराई नहीं है। उन्होंने कहा, यह कांग्रेस की सरकार नहीं है कि कर्जा लेकर करोड़ों रुपए मंत्रियों के बंगलों पर खर्च कर देते हैं, आईफा अवार्ड और कमलनाथ के ऐशो आराम के लिए हेलीकॉप्टर खरीदने पर खर्च करें। इस दौरान सारंग ने दिग्विजय सिंह राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, मध्य प्रदेश की सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए कर्जा ले रही है। उन्होंने कहा, विकास के लिए कर्ज लेने में कोई हर्ज नहीं है। विदेश में रहने वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़कर चंदा वसूली करने के कांग्रेस के आरोप पर सारंग ने कहा, ये अभी से नहीं है, पहले से ही भाजपा में विदेश में रहने वाले लोगों को जोड़ते चले आ रही है। इसमें कोई चंदा वसूली नहीं है, ये कांग्रेस ही नहीं है जिसने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर वसूली की थी। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी हमारा एक विंग है और पूरी दुनिया में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को प्यार करने वाले, हमारी विचारधारा पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, वो एक फोरम पर आए, हमसे जुड़े और वो पार्टी की रीति नीति को हर जगह उसका प्रसारित करें, ये हमारा लक्ष्य है और ये पहले से हमारा विंग काम कर रहा है। इससे कोई चंदा होता ही नहीं है। कांग्रेस करती है चंदा वसूली, नेशनल हेराल्ड मामले से लेकर और बाकी मामलों में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और चंदा वसूली की है। भारतीय जनता पार्टी की ना ये रीति है ना नीति है। दिसंबर में मध्य प्रदेश पहुंच रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बैनर पोस्टर पर दिग्विजय सिंह के फोटो ना लगाने के मामले में सारंग ने कहा, जहां जहां पांव पड़े संतन के वहां वहां बंटाधार हो जाता है। कांग्रेस भी यही समझ गई है और इसलिए दिग्विजय सिंह का फोटो नहीं लगाया गया। भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये फोटो हटाओ फोटो लगाओ यात्रा है। कांग्रेस मानती है कि दिग्विजय सिंह जी के साथ वो कहावत चरितार्थ है कि जहां जहां पैर पड़े संतन के तांता बंटा ढार, तो मिस्टर बंटा ढार की फोटो लगेगी तो बंटा ढार होना है और ये कांग्रेस नेतृत्व ने निश्चित कर लिया, क्योंकि दो दिन बाद कांग्रेस नेतृत्व का ये पत्र आने वाला था कि दिग्विजय सिंह के फोटो कहीं नहीं लगाए, इसलिए दिग्विजय सिंह जी ने अपनी फेस सेविंग के लिए इस तरह से त्याग की मूर्ति अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया। गुट और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा नहीं कर रही, फोटो लगाओ और फोटो काटो यात्रा कर रही है। सारंग ने कहा, गुजरात में पुल गिरने से सैकड़ों लोगों की मौत के बाद मध्य प्रदेश सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री के पहले से ही निर्देश है, प्रदेश में जितने भी पुल पुलिया हैं उनका समय समय पर रख रखाव और देखरेख की जाए। गुजरात हादसे में भ्रष्टाचार करने के आरोप को लेकर सारंग ने कहा, कांग्रेस लाशों पर राजनीति करती है, हादसे कभी भी हो सकते हैं। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर कहा कि वे ही वे व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे भारत को जोड़ के रखा। जवाहरलाल नेहरू की गलत नीतियों के कारण उन्हें वह सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए। उन्होंने कहा, जब कांग्रेस के लोग राहुल गांधी को भगवान राम कह सकते हैं, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को भगवान मान सकते हैं, तो कांग्रेसी कुछ भी बोल सकते हैं। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी कभी भी हिंदू धर्म को मानते ही नहीं हैं, सिर्फ दिखावा करते हैं। सज्जन सिंह वर्मा ने मुझे कुछ भी कहा हो पर मैं उनको अभद्र भाषा में जवाब नहीं दूंगा। देखिए, पहले से ही माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि हर ब्रिज, हर पुल, हर पुलिया का जो पीरियडिक, जो समय समय पर उसकी जो सर्वे होता है, स्टडी होती है, वो उसकी जांच की जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी तरह के हादसे ना हो। अब देखिए, इस तरह की कोई आपदा यदि होती है और उसके बाद उस पर राजनीति होती है, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। लाशों पर राजनीति करना ये कांग्रेस की आदत है। इस तरह के हादसे में सरकार पर केवल छींटाकसी कर देने से काम नहीं चलता, बल्कि मैं गुजरात सरकार को बधाई दूंगा कि उन्होंने त्वरित इस पूरे हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन किया और लोगों की जान बचाई। मुख्यमंत्री जी अपने स्वयं के सभी कार्यक्रम को रद्द कर घटना स्थल पर पहुंचे। मुस्तैदी के साथ गुजरात की सरकार ने और गुजरात के प्रशासन ने घायल लोगों को बचाया, जो लोग फंसे हुए थे उनको बचाने का काम किया। अब इस तरह से लाशों पर राजनीति करना ये कांग्रेस की आदत है जो दुर्भाग्यपूर्ण। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।